शहरिया ने गुलबर्गा कु फजल अहमद तिमापुरी का पुरखुलू सलाम। आपके रूबरू आने की वजह ये है, कल एच डी कुमार स्वामी साहब शहर गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें हमारे कायद मोहतरम अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद भी उनकी क़यादत में पेश रहेंगे और बहुत सारे अवाम से गुजारिश है कि इस रैली को अपनी मोहब्बतों से कामयाब फरमाएं और हमारे जो बेबाक कायद नासिर हुसैन साहब बहुत ही बेबाक और ख़िदमत गुजार हैं, इनसे मेरी ये गुजारिश है आप आवाम से कि इन्हें ख़िदमत का मौका देकर आइंदा उन्हें आजमाने की कोशिश करें। यकीन मानिए वो बेलौस खिदमत करने के लिए सियासत में आए हुए हैं, आप हजरात एक बार आजमा कर उनके हौसला अफजा फरमाइए, उनके हाथों को मजबूत फरमाइए, जनता दल सेकुलर की हौसला अफजाई फरमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस बार असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करें और हमेशा सेकुलर रहन के जनाब कुमार स्वामी और चीफ़ देवेगौड़ा साहब हमेशा मुसलमानों की हौसला अफजाई करते रहें, जिसकी मिसाल हुमनाबाद से मेराजुद्दीन पटेल साहब, वो अपना एतमाद हमेशा उन पर बरकरार रखे हैं, उनकी जगह को पुर करने के लिए ये हमारे नॉर्थ की जो है नुमाइंदा करने के लिए नासिर हुसैन जैसा शख्स मेरी नज़र में तो नहीं है। इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखिए और इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए और बार बार मैं ये बार बार नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि नासिर उस्ताद एक बेबाक कायद है जिनकी खिदमत गुमनामी के तौर पे छुपी हुई है, उसको लिहाज रखिए, चाहे ठेले बंडे वाले हो या गरीब मजदूर के बारे में हो या किसी और मसाले पे हो, वो हमेशा नुमाइंदगी करते हैं, उसको जहन में रखिए और एक बार आजमा कर भी तो देखिए कि कायद होता क्या है, लीडर किसको कहते हैं। मेरी गुजारिश है अवाम से कल की रैली को कामयाबी की तरफ ले जाएं, ये बताएं कि अवाम गुलबर्गे की अवाम ख्वातीन हो या हजरात हो उनके शाना बशाना है, ये मिसाल जो है देवेगौड़ा साहब को पहुँच जाए कि वाकई गुलबर्गे में कोई अगर चहिता कोई नुमाइंदा है तो वह है नासिर हुसैन उस्ताद। बस आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कल की रैली में आकर कामयाब बनाएं।